إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیو بزرگو نوجوانو اور معصوم بچو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے انگریزی اعتبار سے اور اس میں ایک خصوصی دن آتا ہے جس کو قومی تہوار کہہ لیجئے میں اور آپ اس کو 15 اگست کے نام سے جانتے ہیں اس دن میں خاص طور سے بڑے بڑے پروگرام قومی ملی منائے جائیں گے اگرچہ اس پروگرام کو منانے کے لیے اکثر جگہ ناانصافی ہوتی ہے جنازہ لانے میں باہر رکھو باہر اکثر جگہ ناانصافی سے کام لیا جاتا ہے ناانصافی کیا ہے جن کا پروگرام ہے صرف وہ اپنے اپنے دو چار لوگوں کے نام بتلا دیتے ہیں انہی کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے یا اسی طریقے سے بچوں کے ڈرامے ناچ گانے انہی چیزوں میں وقت کو برباد کر دیا جاتا ہے ناانصافی سے اس طرح کام لیا جائے کہ صرف دو چار آدمیوں کے نام بتلا دیے گئے فلاں صاحب فلاں صاحب دو چار آدمیوں کے نام بڑوں کے بھی وہی یاد چھوٹوں کے بھی وہی یاد بچوں کے بھی وہی یاد اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ آزادی کا معاملہ بڑا آسان تھا جو دو چار آدمی آئے کھڑے ہوئے انہوں نے کوئی کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گئے حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 200 سال سے زیادہ گوری چمڑی والا انگریز اس ملک پر قابض ہو کر کے چلا گیا
इसको ग़ुलाम बना कर के चला गया तो ये 200 साल की हुकूमत ज़रा मैं और आप अपनी अकल से काम लें कि उनको भगाना क्या सिर्फ दो चार आदमियों का काम था या उनकी पूरी हुकूमत को तहस नहस करना एक दो आदमियों के बस में हो जाता। इस तरीक़े से नाइंसाफ़ी की जाती है, नाइंसाफ़ी का मामला किया जाता है। गैरों का क्या पूछना, इस चीज़ में अपने भी शामिल हैं। जो अपने लोगों के स्कूल और कॉलेजेस हैं, अपने लोगों के इदारे हैं, अगर उनमें कभी जाने का मौका मिल जाए तो वहाँ पर भी सिर्फ वही दो चार नाम मुझे और आपको बतलाए जाते हैं। ख़ास तौर से इस ज़मीन के नीचे हमारे उलमा फरमाते हैं कि इतना गैरों का पसीना भी नहीं है जितना हमारे और हमारे उलमा का खून बिछा हुआ है। उलमा को मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने उलमा की बात करें, अपने उलमा की तारीख़ अपने बच्चों को बतलाएं, अपने नौजवानों को बतलाएं। किताबों से भी उलमा और मुस्लिम उमरा के नाम जान बूझ कर के ख़त्म किए जा रहे हैं, उनको मिटाया जा रहा है। गैरों का क्या, गैर तो गैर ही होता है, लेकिन अपनों की क्या मजबूरी है कि वो अपनों का ज़िक्र ना करें, अपने उलमा की बातें अपने बच्चों को अपने तालिबे इल्मों को ना बतलाएं। तो इसलिए इरादा ये हुआ कि शायद 15 अगस्त वाले दिन तो मुझे और आपको मौका ना मिले, ना मुझे मौका मिले कि मैं आपसे बात करूं, और ना आपके पास इतना वक्त हो कि आप भी सुनने के लिए तशरीफ़ लाएं। लिहाजा उसका तरीक़ा ये निकाला कि आज के दिन उसी गुफ्तगू को कर लिया जाए कि शायद आपको आगे मौका न दिया जाए और आप अपने बच्चे और बच्चियों के ड्रामों में इतने मगन हो जाएं कि असल मकसद को भूल जाएं, असल उनकी कुर्बानियों को भूल जाएं और सिर्फ दो चार नाम बतला करके उनके नाम के ड्रामे आपके सामने रख दिए जाएं और आपके जहनों में भी ये बिठा दिया जाए कि सिर्फ ये दो चार नाम हैं जिनकी वजह से आज़ादी मिल गई, जिनकी वजह से ये ग़ुलामी की जंजीरें हमारे बदनों से टूट करके हमें आज़ादी की तरफ मोड़ दिया गया। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। और ज़्यादातर बतलाने वाले बतलाते हैं 1857 से लेकर के आज़ादी की बात करते हैं, हालांकि इससे तकरीबन 100 साल पहले अल्लाह के नेक बंदे इस अंग्रेज़ से हर महाज पर मुकाबला आ रहे थे और हर महाज पर इनसे मारके में अपने सर से कफन बांध कर तैयार खड़े थे और उनका मुकाबला करके जामे शहादत नौश कर रहे थे। लिहाजा उन्हीं ताल्लुक से गुफ्तगू करने लगा, कब आया अंग्रेज़ इस ज़मीन पर, लिहाजा ये मेरा हक बनता है कि मैं अपने उलमा की बात करूं, अपने मुस्लिम हुक्मरानों की बात करूं कि जिनके चेहरों को मस्क करने की कोशिश की गई, जिनकी कुर्बानियों को ज़मीन दोज करने की कोशिश की गई। लिहाजा हमारा हक बनता है कि हम उस बात को करें और आपका हक बनता है कि अपनों की कुर्बानियों को सुनें। सुनने और सुनाने का मकसद क्या है, इस ज़मीन से मोहब्बत हो जाए, इस ज़मीन से उल्फत पैदा हो जाए, क्योंकि जिस जगह पर अपनों के खून पसीने शामिल होते हैं उन जगहों की मोहब्बत करना इंसान का फितरी तकाजा होता है, इंसान के खून के अंदर शामिल होता है। अगर कोई मकान किसी के दादा ने बनाया तो बाप उसकी मोहब्बत रखता है, और जो मकान दादा का बाप ने संभाला बेटे उसकी मोहब्बत को रखते हैं। इसी तरीके से ये मुल्क हमारा एक घर की तरह है, यहाँ हमारे बाप दादाओं का खून पसीना
बिछा हुआ है, लिहाजा क्यों ना मोहब्बत की जाए, क्यों ना इस मकान से इस घर से उल्फत रखी जाए। आओ बतलाता चलो अल्लाह के नेक बंदों कब से शुरू होता है। चलिए तारीख के वर्कों को उलटिएगा और चलिए 1498 और 1499 में चलिएगा कि जब बंगाल की सरजमीन पर या मुंबई के साहिली किनारे पर कुछ अंग्रेज आकर के जो समंदर के लुटेरे कहलाए हैं या समंदर के मल्लाह कहलाए हैं वो इस जमीन पर आकर के कब्जा करने की कोशिश करते हैं और तिजारत की गर्ज से अंदर दाखिल होते हैं। कहने का उनका मकसद ये कि हम इस मुल्क में तिजारत करेंगे, इस मुल्क को हम माला माल करेंगे, बाहर का माल यहाँ ला करके बेचेंगे और यहाँ का माल ले जा करके हम बाहर की तरफ रवानगी करेंगे, लिहाजा जिसकी वजह से ये मुल्क बड़ा परवानी की तरफ पहुँचेगा, खुशहाली की तरफ पहुँचेगा। उस वक्त मुंबई और कालीकट वगैरह ये तमाम के तमाम खुशहाली इलाके कहलाया करते थे, लिहाजा ये मल्ला इस ज़मीन पर आते हैं और 30,000 पाउंड जमा करके ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखते हैं। लिहाजा इस बुनियाद के रखने का मकसद बज़ाहिर तिजारत नज़र आ रहा था, बज़ाहिर लोगों को तिजारत समझाया जा रहा था कि हम इसके ज़रिए से तिजारत करेंगे, इसके ज़रिए से इस मुल्क को खुशहाल बनाएंगे, लेकिन उनके जहनों में और उनकी नीयतों में ख़ास तौर से इस ज़मीन को अपने ग़ुलाम बनाना था। ग़ुलाम बनाने का मकसद क्यों आया? क्योंकि ये सोने की चिड़िया कहलाया करता था। यहाँ की दीवारों में हीरे और जवाहरात हैं, यहाँ की ज़मीन सोना उगलती है, यहाँ की ज़मीन बड़ी कीमती है, लिहाजा वो तमाम के तमाम इस मुल्क को अपना ग़ुलाम बनाना चाहते थे। लेकिन जाहिर में जाहिर ये किया कि हम तो तिजारत करना चाहते हैं। उस वक्त के बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, लिहाजा इनके सामने तक तो ये अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सके, लेकिन जिस तरीके से हजरत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत होते हैं फौरन इनके परों को परवाज़ मिल जाती है और ये आने वाले बादशाहों से मसालहत करके अपनी तिजारत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, बंगाल की सरजमीन उस वक्त बड़ी खुशहाल नज़र आती थी, वहाँ पर तिजारती और बड़े बड़े कारोबार नज़र आते थे, यहाँ तक कि राजधानी भी कलकत्ता को कहा गया। ए अल्लाह के नेक बंदो, इन्होंने बंगाल की तरफ अपने आप रवाना हुए, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा नहीं 20 या 22 साल का नौजवान है जिसको मैं और आप नवाब सिराजुद्दौला के नाम से याद रख सकते हैं। उसने अंग्रेज़ के इन बढ़ते कदमों को समझ लिया और अपने दिल के अंदर उतार लिया कि बंगाल की तरफ जो रवाना हो रहा है इसका मकसद इसको अपने कब्ज़े में करने का है और ग़ुलामी में लाने का है। लिहाजा उसने अपनी फ़ौज के साथ अंग्रेज़ का इस्तकबाल नहीं बल्कि उनसे मुकाबले के लिए तैयार हो गया और तकरीबन 50,000 फौज को लेकर के अंग्रेज के मुकाबले में पहुंचा है और अंग्रेज का मुकाबला प्लासी एक जगह वहां मैदान में उनसे करता है। लिहाजा अगर अल्लाह इसको ताकत दे देता, ताकत इसके पास थी, लेकिन अगर इसके साथ रहने वाले अगर गद्दारी न करते तो उसी वक्त अंग्रेज इस जमीन से साफ हो गया था। लेकिन इस वतन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जरा से पैसों में बिक जाते हैं, जरा से पैसों में अपने ईमानों के सौदे कर लेते हैं। वो पहले भी था, वो आज भी है। लिहाजा जरा से पैसों की गड्डियां दिखा करके हाँ ईमानों के सौदे हो जाते हैं, अपनों से बड़ों से गद्दारियां हमारे यहां एक आम बात है, मुखबिरी हमारे यहां आम बात है, अपनों को मालो दौलत के चक्कर में मरवा देना यह हमारे मुल्क की एक आम बात है। लिहाजा यह 50,000 फौज को लेकर के चलता है। अंग्रेज घबराया है कि इसका मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा उसने पैसे के जरिए से उसके वजीर मीर जाफर को लालच दिया कि तू इसको किसी तरह रास्ते से हटा दे, हम बंगाल का अमीर और जिम्मेदार तुझे बना देंगे। लिहाजा ये मालो दौलत का जैसे झांसा दिया गया, लालच दिया गया, मीर जाफर ने गद्दारी की, गद्दारी करके अपनी फोर्स को अलग किया। नवाब सिराजुद्दौला अपने तने तनहा दस्ते के साथ अलग नौजवान खड़ा का खड़ा रह गया। लेकिन मेरे भाई, इतना आदमी बाहर के दुश्मन से परेशान नहीं होता जितना अपने की गद्दारी की वजह से परेशान हो जाता है। मीर जाफर ने जैसे गद्दारी की, प्लासी के मैदानों में नवाब सिराजुद्दौला से मुकाबला हो रहा है, लेकिन ये बेचारा कहाँ से करता
का जो आस्तीन में सांप घुसा हुआ है, ये हमला करने वाला है। लिहाजा प्लासी के मैदान में इस नौजवान ने जामे शहादत नौश फरमाया और ये इस दुनिया से रुखसत हो गया। अगले रोज मीर जाफर को वहां का गवर्नर बना दिया गया, वहां का जिम्मेदार बना दिया गया। लिहाजा ये जिम्मेदारी ज्यादा दिन तक न टिक सकी और इसी के रिश्तेदार मीर कासिम ने इस पर हमला करके इसे भी गारत कर दिया, क्योंकि गद्दार की उम्र ज्यादा नहीं होती, गद्दार का वक्त ज्यादा नहीं होता। अगरचे वो पैसे कमा करके इज्जत को बेच दें, लेकिन ये वक्त उसका ज्यादा दिन तक नहीं गुजरता है। लिहाजा ये भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। खैर बहरहाल बंगाल की सरजमीन और उड़ीसा की ये तमाम की तमाम सरजमीन पर आज नवाब सिराजुद्दौला के इस दुनिया से जाने के बाद अंग्रेज इस जमीन पर भी काबिज हो गया। इसके बाद एक और बड़ी रियासत, बड़ी ताकतवर रियासत जो अंग्रेज की आंखों में खटक रही थी, जहां बड़े बड़े उमरा ने पैसों का लालच लेकर के अपनी अपनी जागीरदारी और अपनी अपनी जिम्मेदारी उनको सौंप दी थी, लेकिन एक और सरजमीन इस मुल्क में नजर आती थी जिसको मैं और आप दक्कन और हैदराबाद के नाम से जानते हैं। कौन है यहाँ का जिम्मेदार? जिसको मैं और आप सुल्तान टीपू के नाम से जानते हैं और टीपू शहीद रहमतुल्ला अलैह के नाम से जानते हैं। आज उनकी सूरत को मस्क करने की कोशिश की जाती है, आज उनके नाम को दबाने की कोशिश की जाती है। अगर उनके नाम को याद भी किया जाए तो इन 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 गद्दार वतन के जहनों के अंदर, इनके पेटों के अंदर मरोड़ उठती है, लेकिन तारीख को कभी मिटाया नहीं जा सकता है। अगर अंग्रेज की आंख में खटकने वाली कोई दूसरी हुकूमत थी तो वो सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्ला अलैह की थी। लिहाजा अंग्रेज से बारहा मुकाबला कर चुके थे और तकरीबन 3 जंगें अंग्रेज से मुकाबला करके वो कामयाब हो चुके थे, लेकिन अंग्रेज फिर खटक चुका था कि सुल्तान टीपू किस तरीके से हमारे रास्ते से हटे, किस तरीके से चट्टान हमारे रास्ते से हटे और हम इस मुल्क में कामयाबी की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। लिहाजा यह तरीका इख्तियार किया गया, जो तरीका यहां पर बड़ी जल्द चल जाता है कि पैसों को देकर के अपनों को खरीद लिया जाए। लिहाजा जब देखा कि सुल्तान टीपू हमारे कब्जे में आने वाला नहीं है, इसका एक बार कई कई दुश्मनों की गर्दनों को उड़ा दिया करता है, लिहाजा इसको किस तरीके से जेर किया जाए, लालच दिया गया, लेकिन लालच को कबूल न किया गया। खैर इस तरह से लालच दिया गया कि मजबूर होकर सुल्तान टीपू शहीद ने ऐलान कर दिया था, ओ गोरी चमड़ी वाले सुन ले, मुझे गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी अच्छी लगती है। ये किसका जुमला है? यह हजरत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्ला अलैह का जुमला है, जो आज भी सुर्ख वर्कों में अच्छी लाइनों के साथ मेरे और आपके बच्चों को पढ़ाया जाता है। लिहाजा मेरे भाई, अंग्रेज ने देखा कि चट्टान हमारे रास्ते से हटने वाली नहीं, उन्होंने फिर उसके वजीर को पकड़ा जिसको मैं और आप मीर सादिक के नाम से याद रख सकते हैं। लिहाजा उसको लालच दिया गया कि किसी तरीके से सुल्तान पर काबिज हो जाए, किसी तरीके से सुल्तान को हमारे रास्ते से हटाया जाए, जो तुझे चाहिए वो हम तुझे मुहैया करा देंगे, अगर तुझे जमीनें चाहिए, माल और दौलत चाहिए, तमाम के तमाम तुझे अता कर दी जाएंगी। लिहाजा सौदा तय हो गया, जंग का दिन मुकर्रर हो गया। हाँ, इसी तरीके से मीर सादिक ने अपने तमाम फौजियों को कहा, अरे कहाँ अंग्रेज से मुकाबला कर रहे हो, चलो आओ, तुम्हारी तनख्वाह का वक्त हो गया है, आओ जाकर के अपनी सैलरी ले लीजिए। बेचारे फौजी उसकी बातों के अंदर आ गए, अंग्रेज उस दरवाजे से घुस जाता है और सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्ला अलैह का मुकाबला करता है, लेकिन ये तने तनहा अल्लाह का शेर कहां से मुकाबला करता। लिहाजा अपनों की गद्दारी ने 1799 में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्ला अलैह को भी इस दुनिया से रुखसत कर दिया। जब ये दुनिया से रुखसत हुए तो अंग्रेज जनरल लाश पर खड़े होकर के कह रहा था, ओ लोगों सुन लो, आज से ये हिंदुस्तान हमारा है, क्योंकि जो बड़ी चट्टानें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, जिनका हमें डर था वो जा चुकी हैं। लिहाजा अब ये चट्टान जो सबसे बड़ी हमें नज़र आ रही थी, सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्ला अलैह की, वो भी हमारे रास्ते से जा चुकी है। आज उनके नाम को गंदा करने की कोशिश की जाती है, हाँ किताबों के पाठ से उनके नाम को हटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैं और आप अपने बच्चों को समझाएं कि इन लोगों के हटाने से ये नाम हटने वाला नहीं है। यहाँ की ज़मीन इस चीज़
चीज की गवाही देगी कि सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज का किस तरीके से मुकाबला किया, न अपने ईमान का, न अपनी जमीन का और न अपनी कौम का उनसे सौदा किया। लिहाजा जब ये बड़ी बड़ी चट्टाने हैदराबाद की भी खत्म हो गई और इसी तरीके से बंगाल की भी खत्म हो गई, ये बड़ी बड़ी जागीरों पर इन अंग्रेजों का कब्जा हो गया, अब ये दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। दिल्ली का हाल क्या है वहां बतलाता चलो। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हैं जो ये चीज भांप गए थे कि अंग्रेज रफ्ता रफ्ता इस मुल्क पर काबिज हो रहा है, इसका मकसद तिजारत करना नहीं है, इसका मकसद इस मुल्क को ताकतवर करना नहीं है, लिहाजा तमाम का तमाम चैप्टर तैयार कर दिया गया। लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे अपनी उम्र को मुकम्मल करके इस दुनिया से जा चुके हैं, अब उनके लख्त जिगर हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल कर देना। वो इन तमाम की तमाम चीजों को भांप लेते हैं और भांप करके तमाम लोगों को सबसे पहला फतवा जारी कर देते हैं, वो लोगों कहां खोए हुए हो, इस अंग्रेज को समझते हो कि तुम्हारे मुल्क को मजबूत करने आया है, तुम्हारे मुल्क को ताकतवर करने आया है, ये अपने जहनों से निकाल दो, ये मुल्क गुलामी की तरफ जा रहा है, ये मुल्क गुलाम बनने की तरफ जा रहा है। और सुनो, ये सिर्फ 17 या 18 साल के नौजवान हैं जिनको मैं और आप शाह अब्दुल अजीज के नाम से जानते हैं और फौरन इस उम्र में एक फतवा डालते हैं, जहां फतवा बड़ा लंबा आपके सामने सुनाने का मौका नहीं, सिर्फ इतना बतलाना है कि उसका खुलासा ये था, ए हिंदुस्तान के लोगों सुन लो, ये हिंदुस्तान दारुल हरब हो चुका है, ये हिंदुस्तान दारुल अमन नहीं है, ये दारुल हरब है, ये जिहाद का मैदान बन चुका है, ये लड़ाई का मैदान बन चुका है। लिहाजा अगर चाहते हो कि हम गुलाम ना बने तो अपने घरों से निकलो और इस अंग्रेज का मुकाबला करो। ये था सबसे पहला फतवा जिसने इस पूरी जमीन में एक चिंगारी को आग भड़काने का काम किया और तमाम के तमाम लोग समझ गए कि वाकई में ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी की तरफ जा रहा है, वाकई में मुल्क ही अंग्रेजों का गुलाम बनने की तरफ जा रहा है। लिहाजा खाली फतवा नहीं दिया बल्कि अपने शागिर्दों को बुलाते हैं, अपने भाइयों को बुलाते हैं, हाँ उनमें बड़े नाम पेश किए जाते हैं जिनमें एक बड़ा खास नाम हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह बरेलवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह हैं और उन्हीं के रफीक मोहतरम हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन जैसे उलमा को बुलाया जाता है और बुला करके एक अमली जामा पहनाया जाता है कि किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से अंग्रेज के खिलाफ तहरीकें चलाई जाएं। चुनाचे तमाम के तमाम मुबारक उलमा हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद एक गिरोह को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जिहाद पर लोगों को उकसाइए और सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को इजाजत दी जाती है कि आप मुल्क के गोशे गोशे में जाएं, आप मुल्क के कोने कोने के अंदर जाएं और वहां से नौजवानों को तैयार करें, वहां से जवानों को इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद अंग्रेज की नफरत उनके दिलों के अंदर डालें, अंग्रेज की नफरत उनके दिलों में डालें और उनको कह दिया जाए कि उनकी कंपनियों में जाना बंद कर दें, उनकी फौज में भर्तियां बंद कर दें, वरना याद रखना एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे जरिए से अपनों का खून बहाया जाएगा, तुम्हारे जरिए से अपनी लाशों पर गुजरा जाएगा। लिहाजा ये काफिला चलता है दिल्ली से लेकर के हाँ मुरादनगर और मेरठ मुजफ्फरनगर शामली और इधर को होता हुआ, ये तमाम के तमाम इलाकों में ये मुबारक काफिला पहुंचता है और पहुंच करके ये तमाम के तमाम नौजवानों को तैयार किया जाता है। तैयार करने का मकसद ये है कि जो यहां मुसलमान हैं वो भी बिदअत की तरफ ज्यादा राइज हैं, वो मुसलमान अल्लाह को भूल करके शिर्किया अकायद रखते हैं, सबसे पहले उनके अकायद को दुरुस्त किया जाए, जब अकायद दुरुस्त हो जाएंगे, जब नीयतें दुरुस्त हो जाएंगी तो ऐसे अल्लाह वालों के लिए जिहाद करना आसान हो जाएगा, उनके दिलों में मुल्क की मोहब्बत बिठाई जाए। लिहाजा ये सफर कामयाब हुआ और जगह जगह नौजवान तैयार हो गए, जगह जगह वहाँ फौज की भर्तियाँ बनाई गई कि किसी तरीके से अंग्रेज़ का मुकाबला किया जाए। खैर अब दूसरा सफ़र होता है कि अब तक तो हमने समझाने का और लोगों के दिलों में अंग्रेज़ के खिलाफ नफरत बिठाने का सफ़र किया, अब हम सफ़र करेंगे बाकायदा जिहाद का। लिहाजा तमाम के तमाम नौजवान जो तैयार थे, तमाम के तमाम को बुलाने की आवाज़ दे दी गई और आप सबसे पहले
पंजाब की सरजमीन पर पहुंचते हैं। पंजाब की सरजमीन पर पहुंचने का मकसद क्या है? क्योंकि वहां की जो सिख हुकूमत है, वहां के जो सिख गवर्नर हैं, वो अंग्रेज के प्यादा हैं, वो अंग्रेज के नीचे काम करते हैं। लिहाजा सबसे ज्यादा जुल्म वो मुसलमानों पर करते हैं, मुसलमानों पर जुल्म और जबर की चक्कियां पीसते हैं। सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले समझते हैं कि क्यों ना सबसे पहले इसी का मुकाबला किया जाए ताकि रास्ता आसान हो जाए। उस वक्त का सबसे बड़ा अमीर जो पंजाब का कहलाया है वो रंजीत सिंह कहलाया है, आपने नाम सुना होगा। लेकिन ये अंग्रेज का प्यादा है, ये अंग्रेज की बात को मान करके चलता है, लिहाजा मुसलमानों पर जुल्म और जबर करता है, अंग्रेज के साथ मिला हुआ है। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह वहां पर जाकर के हाँ जहां बहुत सारी जमीनों को अपने नाम कर लेते हैं और इस्लामी हुकूमत का ऐलान कर देते हैं, शराब पर पाबंदियां लगा देते हैं, बेहयाई पर पाबंदियां लगा देते हैं, यहां तक कि अंग्रेज की नफरत को दिलों में बिठाते हैं। लेकिन रंजीत सिंह को यह बात हजम नहीं हुई, वो पर्चा लिख करके भेजता है कि शाह साहब क्या कर रहे हो, क्यों अंग्रेज के खिलाफ मुकाबला कर रहे हो? कहा कि नहीं, तुझे भी उसके खिलाफ होना पड़ेगा। रंजीत सिंह ने बात मानने के लिए इनकार कर दिया और अंग्रेज के साथ मिलकर, अपने हुक्मरानों के साथ मिलकर रात के वक्त में यह काफिला अल्लाह वालों का, जिसमें बड़े सारे उलमा हैं, जिसमें निहत्ते नौजवान हैं, हथियार उनके इतने पास नहीं है, सिर्फ जिहाद का एक जज्बा उनके दिलों के अंदर है, सिर्फ वतन की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर है, तहज्जुद के वक्त सोए हुए हैं। लिहाजा ऐसे वक्त में रंजीत सिंह जैसा और उनके जितने उमरा हैं तहज्जुद के वक्त में आकर के सोते हुए पर हमला कर दिया जाता है, ये बेचारे कहां तक मुकाबला करते? अलगर्ज बालाकोट की सरजमीन पर ये जज्बे जिहाद सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनको और इनके रुफाका को, तमाम के तमाम को शहीद कर दिया जाता है। अपनों के हाथों से शहीद हुए, अपनों के हाथों से इस दुनिया से रुखसत हुए। लिहाजा मेरे भाई, मैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाता चलूं, ये तमाम का तमाम काफिला, ये तमाम की तमाम तहरीक जो दिल्ली से लेकर पूरे मुल्क में फैल गई थी और बालाकोट की ज़मीन पर ये बड़े बड़े अल्लाह वाले, ये बड़े बड़े अल्लाह के दीवाने हाँ इस दुनिया से रुखसत होकर के आज भी उनके मज़ारात वहीं पर मौजूद हैं, आज भी उनकी कब्रें वहीं पर मौजूद हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये तमाम की तमाम चीज़ें जब दफन हो गई, अब कौन है इस दुनिया के अंदर और ख़ास तौर से इस मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ चलने वाला, अंग्रेज़ों के खिलाफ आने वाला? लेकिन ये चिंगारियाँ तमाम के तमाम हिंदुस्तानियों के जहन में बैठ चुकी थी, लिहाजा अब अल्लाह ने दूसरा रुख शुरू किया, अब अल्लाह ने दूसरा तरीका हाँ अपने बंदों को बचाने का और इस मुल्क को गुलामी से बचाने का इख्तियार किया। वो ये कि यहाँ के लोगों और ख़ास तौर से जो इस मुल्क के लोग जो उनकी फ़ौज के अंदर शामिल थे, ये बात मशहूर कर दी गई और वह हकीकतन थी कि जो हमारे लिए कास्तूर बनाए जाते हैं उन कारतूसों में खिंजीर की चर्बी मिलाई जाती है, या इसी तरह गाय की चर्बी मिलाई जाती है, गाय के जरिए से जो हिंदू लोग हैं उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए और जो मुस्लिम लोग हैं उनके धर्म के अंदर, उनके मजहब के अंदर कमी आ जाए। ये बात आपने भी सुनी होगी। लिहाजा ये चीज जब मशहूर हो गई तो सबसे पहले बंगाल की सरजमीन पर मुखालफत शुरू हुई और उसके बाद मेरठ की सरजमीन पर सबसे पहले ये मुखालफत शुरू हो गई और तकरीबन 85 फौजी हैं जिनके अंदर मुसलमान भी ज्यादा हैं, जिनके अंदर हिंदू भाई भी हैं, इन्होंने सबसे पहले अलम बगावत बुलंद किया और ऐलान कर दिया कि हम इस कारतूस के जरिए से हमला नहीं करेंगे, इस कारतूस के जरिए से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। क्या वजह है? क्योंकि इसमें सुअर की चर्बी, खिंजीर की चर्बी मिलाई जाती है, लिहाजा इसके अंदर गाय की चर्बी मिलाई जाती है। ओ अल्लाह के नेक बंदो, ये 85 फौजी सबसे पहले अलम बगावत बुलंद करते हैं, इनकी बगावत को पसंद ना किया गया, इनकी वर्दियों को नोच दिया गया और नोच करके इनको हाँ सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जब ये उलमा को मालूम हुआ, जब वहां के नौजवानों को मालूम हुआ और दूसरे फौजियों को मालूम हुआ, लिहाजा रात के अंदर मशवरा हुआ और फौरन यहां मेरठ की इस जेल पर हमला किया गया और इन 85 नौजवानों को निकाल लिया गया। और निकालने के बाद ये अपने घरों को नहीं गए बल्कि सीधे इन्होंने दिल्ली का रुख किया। अब अंग्रेज के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा।
अंग्रेज़ का मुकाबला करना पड़ेगा। लिहाजा ये काफिला तमाम का तमाम मेरठ से दिल्ली की तरफ चला। जितनी भी अंग्रेज़ी चौकियाँ आई सबको जला दिया गया। कोई अंग्रेज़ी फौजी सामने आया जला दिया गया। यहाँ तक के लाल किले के अंदर पहुँचे। पहुँचने का मकसद ये था कि बहादुर शाह जफर के साथ मिलें और इन अंग्रेज़ों का मुकाबला करें। लिहाजा बात बनी नहीं और जो उनसे मुसालत करने के लिए अंग्रेज़ आया उसको भी कत्ल कर दिया गया। जज्बा इतना मजबूत था कि जो भी सामने आया कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये बेचारे निहत्ते कहाँ तक मुकाबला करते। अलगर्ज दिल्ली की सरजमीन पर जाकर इन सबको शहीद कर दिया गया। उसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, उसमें हिंदू भी भाई भी शामिल हैं। मेरे भाई, मैं अपने उलमा की गुफ्तगू करता चलूं, अपने उलमा के ताल्लुक से जब ये चीज़ें फैलती चली गई कि अब अंग्रेज़ का मुकाबला नहीं, अक्सर फौजियों को शहीद कर दिया गया। अब मैं आपको लेकर के चलूं, ये थाना भवन की जो सरजमीन कहलाती है, यहाँ पर ये बुज़ुर्गों का डेरा है, यहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये अल्लाह वालों का डेरा है, यहाँ पर अल्लाह वालों की खानकाह है। लिहाजा अल्लाह वाले जब देखते हमारी कौम गुलामी की तरफ है, हमारा मुल्क गुलामी की तरफ है और हमारा दीन खतरे के अंदर है, लिहाजा ये फिर एक मशवरा बुलाते हैं जिसमें मुल्क से तकरीबन 474 उलमा शरीक होते हैं। हाँ, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और ऐलान कर दिया जाता है कि अब अंग्रेज़ की इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इनसे मुकाबला होगा। कौन? हाँ, एक तरतीब बना ली जाए और वो इस्लामी तरतीब बनाई जाए। वो तरतीब क्या होगी? सबसे पहले हम अपना एक अमीर तय करें, अमीरुल मोमिनीन तय करें। लिहाजा सबके मशवरे से हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को अमीरुल मोमिनीन तय कर दिया गया और तमाम के तमाम सबसे पहले हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने बैत ली। उसके बाद हज़रत मौलाना हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ये बैत लेते हैं। उसके बाद तमाम के तमाम उलमा, यहाँ पर इस्लामी हुकूमत का ऐलान कर दिया जाता है कि छोटा सा खित्ता अब इस्लामी हुकूमत के तहत चलेगा, यह आर्जी इस्लामी हुकूमत होगी। लिहाजा इसके दायरे कार को बढ़ा दिया जाएगा। लिहाजा जैसे ही ये यहाँ पर ये खिलाफत हुई और फौजी तैयार हो गए, तमाम उलमा ने सर से कफन बांध लिए। यहां पर एक बात मैं आपको बतलाता चलूं, जब यह मशवरा चल रहा था तो एक अल्लाह के नेक बंदे खड़े होकर के कहते हैं, जैसे कि आजकल मेरे और आपके दिलों में भी मायूसी आ जाती है, वो खड़े होकर के कहते हैं, अरे उलमा की जमात क्या कर रहे हो? हाँ, ये अंग्रेज इतनी ताकत में, इतनी तादाद में, इतने हथियारों के साथ है, हम कैसे मुकाबला करेंगे? तो हजरत मौलाना कासिम नानोतवी खड़े होते और कहते हैं, और लोगों, क्या तुम्हारी तादाद गाजियाने बदर से भी कम है? कि बदर में 313 सिर्फ सहाबी थे, क्या तुम्हारी तादाद उनसे भी कम है? क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? अल्लाह की मदद जब उनके साथ आ सकती है, क्या हमारे साथ नहीं आ सकती? ये ऐसा उनका जुमला था कि तमाम उलमा सर से कफन बांध करके तैयार हुए और मुकाबले के लिए आगे बढ़े। लिहाजा इसी जिम्न में एक वाकया पेश आया। हाँ, अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि थाना भवन में ये उलमा जमा हो चुके हैं और ये हमारे खिलाफ तैयारी कर चुके हैं, लिहाजा उस वक्त में एक तोपखाने को इनके लिए लाया जा रहा था। मौलाना रशीद अहमद गंगोही हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की खिदमत में पहुंचते हैं और पहुंच करके कहते हैं, हजरत इजाजत दीजिए, तोपखाना हमारे मुकाबले के लिए लाया जा रहा है। हजरत हाजी साहब उनको इजाजत दे देते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदे जो मदरसे में सबक पढ़ा रहे थे, जो अपनी मसरत पर बैठे हुए थे, जो लोगों के दिलों की सफाई कर रहे थे, जब बात मुल्क की आई तो खड़े हो गए, जब बात वतन की आई तो खड़े हो गए, जब बात दीन की आई तो खड़े हो गए, यहां तक के आगे बढ़े। और हज़माना रशीद अहमद गंगोही 40-50 अपने साथियों को लेकर, हाँ, जो सहारनपुर से शामली को रास्ता आता है उसके बीच में एक बाग पड़ता है, वहां पर अंदर छुप करके अपने लोगों से कह देते हैं, जब अंग्रेज यहां से गुजरे तो आप फायर खोल देना। लिहाजा इस तरीके से जैसे अंग्रेज वहां से गुजरा, फायर खोल दिया गया। उसके जहन में बात आई कि शायद बाग में बड़ा सारा लश्कर जमा है और वो डर करके, दुम दबा करके उस तोपखाने को छोड़ करके भाग गया। मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाँ, उस तोपखाने को घसीटते हैं और लाकर खानकाह के सामने पटक देते हैं। ये हैं आपके उलमा।
जो अंग्रेज से अपनी मसनदों को छोड़ करके मुकाबला कर रहे हैं, अपने मदरसों को छोड़ करके मुकाबला कर रहे हैं। लिहाजा जब अल्लाह ने इस तरह से इन्हें कामयाब किया तो अब ये शामली की तरफ आगे बढ़ता है ये काफिला, और शामली की तरफ चूंकि अंग्रेजों की छावनियां हैं वहां पर जाकर के उनके मुकाबले के लिए खड़ा हो जाते हैं। लिहाजा इस तरीके से जब अंग्रेज देखता है कि उलमा की जमात हमारी तरफ लौट करके आ रही है, लिहाजा वो किला बंद कर लेता है और दीवारों से सोराख करके उलमा पर उतावड़ तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं, जिनमें अक्सर उलमा उनमें शहीदी का जाम पी लेते हैं। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे डरने वाले नहीं हैं। हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और किले के दरवाजे को तोड़ करके तमाम उलमा को लेकर के अंदर बढ़ते हैं और अंदर जा करके अंग्रेज का मुकाबला करते हैं। लेकिन ये अल्लाह के नेक बंदे चूंकि अंग्रेजों के पास बड़े हथियार हैं, एक गोली आकर के हजरत हाफिज जामिन शहीद के नाक के नीचे आकर के लग जाती है, जिसकी वजह से बेहोश होकर के गिर जाते हैं। मौलाना रशीद अहमद गंगोही अपने कंधे पर उठाकर बीच की मस्जिद के अंदर ले जाते हैं और ले जाकर के कहते हैं हजरत हाफिज जमीन क्या हमसे पहले चल दिए हो? लिहाजा वो कहते हैं हाँ मैं चल दिया हूँ और तुम्हारा इंतजार करूंगा, ये कहकर के कलमा पढ़ करके इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। लिहाजा इसी तरीके से हजरत मौलाना कासिम नानोतवी के सर में आकर के गोली लगती है, हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की आकर के सर पर हाथ रखते हैं, लेकिन जैसे अमामा खोलते हैं तो कोई गोली का निशान नहीं, हालांकि खून से कुर्ता तर बतर हो चुका है, लेकिन जैसे दस्तार हटाई गई तो कोई गोली का निशान नहीं था। अल्लाह ने वहां पर हिफाजत फरमाई, क्यों? इसलिए कि इस मौलाना कासिम से दारुलूम की बुनियाद जो रखवानी थी, 1866 के अंदर फिर दारुलूम की बुनियाद रखी गई। खैर बहरहाल में गुफ्तगू करने चला, ये तो वक्त कम पड़ जाएगा अगर मैं अपने उलमा की बात करता चलूं, और आप बैठे बैठे थक जाएंगे अगर उलमा के तस्किरे होते चलें, क्योंकि इस जंग में एक या दो उलमा नहीं, तकरीबन 51,500 या उससे भी ज़्यादा चल करके तकरीबन 54,000 उलमा, और अगर तमाम मुसलमानों की तादाद जोड़ी जाए तो तकरीबन 2,00,000 मुसलमान हाँ इस जंग के अंदर काम आए हैं, तकरीबन 2,00,000 मुसलमान, और उसमें 54,000 उलमा हैं, उसमें 54,000 बड़े बड़े इदारों से फारिग याफ्ता हैं, 54,000 बड़े बड़े इल्म फजल के मालिक हैं। लिहाजा जब थाना भवन का ये तमाम का तमाम मामला कामयाब हुआ, अंग्रेज ने चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके उनको एक तरफ से मारना शुरू किया, घरों को तोड़ना शुरू किया, इतना जुल्म और जबर बरसाया कि जब मलिका विक्टोरिया ने आम माफी का ऐलान किया और थाना भवन को देखा गया तो 132 लाशें अब भी उलमा की वहां के दरख्तों पर लटकी हुई थी, जो लटक करके सिर्फ ढांचे में तैयार और ढांचे में बदली हुई थी। कहां तक मैं अपने उलमा की तुम्हें रुदाद सुनाऊं? सिर्फ रोना ये आता है, ओ अल्लाह के नेक बंदो, गैर तो गैर हैं, अपने क्यों अपने उलमा को भूलते हैं? अपने क्यों अपने उलमा की बात नहीं करते? अपने अपने उलमा को क्यों याद नहीं करते? ये आज़ादी कोई खेल नहीं था कि सिर्फ दो चार आदमी आए और आकर के कोई गाड़ी फंसी हुई थी, धक्का लगाया, उसको निकाल दी। नहीं मेरे भाई, तकरीबन 200 साल मैं और आप गुलाम रहे हैं, किसी एक या दो आदमी के कारनामे नहीं, बल्कि एक नस्ल इसके अंदर खपी है, एक अल्लाह वालों की नस्ल को फसल की तरह काट दिया गया है, उसमें अपने भी शामिल हैं, गैर भाई भी शामिल हैं। लेकिन मेरे भाई, वो तो अपनों को याद कर लेते हैं, कहीं मुजस्मे बना दिए गए, कहीं तस्वीरें बना दी गई, स्कूल और कॉलेजों में ड्रामे पेश कर दिए गए, लेकिन मैं और आप अपनों को याद नहीं करते, अपने उलमा को याद नहीं करते। इसलिए इरादे करें कि इंशाअल्लाह हम भी अपने उलमा को सुनेंगे और उनको याद रखेंगे और उनके लिए दुआएं भी करेंगे कि जिनकी वजह से आज मैं और आप आज़ादी के नगमे गुनगुनाते हैं, आज़ादी के लिए सांस लेते हैं। ये किसी एक या दो का कमाल नहीं, पूरी नस्लें इसके अंदर खपी हैं। और दूसरी बात यह है कि इस जो कौमी दिन आएगा इसको मनाने की हम सबको इजाज़त है, शरीयत मना नहीं करती। मैं और आप अपने इस कौमी त्यौहार को मनाएं, अपने घरों पर झंडे लगाएं, कोई मना नहीं करती शरीयत, अपने स्कूल और कॉलेजों में इसके झंडे फहराएं, कोई शरीयत मना नहीं करती। हम किसी के कहने से नहीं, बल्कि हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं। मैं और आप भी इस दिन को मनाएं, इस दिन में अपने उलमा को याद करें, उनके लिए इसाले सवाब करें और उनकी मगफिरत की दुआएं करें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे दे। आमीन। वाकुदावा अलहम्दुलिल्लाह।